नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए सेना की तरफ से एक जबरदस्त एडवाइजरी जारी की गई है और उस एडवाइजरी में पूर्व सैनिकों के लिए किस चीज पर कहां और क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, क्या है पूरी खबर, आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी संदर्भ में 20 जनवरी 2021 को प्रिंट मीडिया में एक खबर निकल कर आई है कि सार्वजनिक समारोह में पूर्व सैनिक मेडल और रिबन नहीं पहन सकते। भारतीय सेना ने जारी की एडवाइजरी, यानी कि कई मौकों पर देखा गया है कि पूर्व सैनिक अपने पदक और रिबन पहनकर राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसा करने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी उनके द्वारा पदक और रिबन पहनने के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय सेना के पदकों और रिबनों को सेना के नियमों के तहत ही पूर्व सैनिकों द्वारा पहना जाए। भारतीय सेना के नियमों के अनुसार सैनिकों या पूर्व सैनिकों को राजनीतिक रैलियों में पदक या रिबन पहनने की इजाजत नहीं दी जाती है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक रैलियों में पूर्व सैनिक द्वारा सेना की वर्दी, सेना द्वारा दिए गए पदक या रिबन को नहीं पहना जाए। भारतीय सेना के नियम इसकी परमिशन नहीं देते हैं। सेना की यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब पिछले कुछ समय में कई पूर्व सैनिकों को राजनीतिक दलों की रैलियों में विरोध प्रदर्शन में सैनिक वर्दी, पदकों और रिबन के साथ देखा गया है। दोस्तों, लेटेस्ट जो मामला है वो ये है कि एनसीआर में, यानी राजधानी दिल्ली में, जो चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कई भारतीय सेना के पूर्व सैनिक सैनिक वर्दी में मौजूद हैं और कई सैनिकों ने अपने पदक पहन रखे हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने यह भी दावा किया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और माना जा रहा है कि अगर किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालते हैं तो आंदोलन में शामिल पूर्व सैनिक अपनी वर्दी और मेडल पहन सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा सेना का मानना है और इसीलिए राजनीतिक रैलियों में पूर्व सैनिकों द्वारा वर्दी या सेना मेडल या पदक पहनने या रिबन पहनने के ऊपर प्रतिबंध लगाने संबंधी ये एडवाइजरी जारी की है। तो दोस्तों, ये थी खबर इस वीडियो में। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।